नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज मैं तलवंडी साबो बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रैक्टर मंडी लगती है यहाँ पे हर बुधवार को, उस मंडी के अंदर आया हुआ हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी ट्रैक्टरों के मॉडल नंबर और प्राइस बताऊंगा। और जो प्राइस है वो फिक्स नहीं है, आप यहाँ आगे अपना ट्रैक्टर पसंद कर सकते हो और अपना प्राइस कम ज़्यादा करवा सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको अच्छा लगे। और सबसे बड़ी खासियत ये है, यहाँ पे आपको नए से नए और हर कंपनी का नए से नया और पुराने से पुराना ट्रैक्टर मिल जाएगा आपको। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये सोनालिका DI-60 RX MM ट्रैक्टर है और ये 2010 मॉडल है। और जो इसका प्राइस लिखा है वो 2,90,000 रुपये प्राइस रखा है इन्होंने, आप यहाँ आके कम करवा सकते हो। जैसे अपना ये इधर मेसी फर्गुसन 52-45 DI ट्रैक्टर है, महान ट्रैक्टर 2009 मॉडल, और जो इसका प्राइस है 2,70,000 रुपये का प्राइस रखा गया है। इधर अपना ये स्वराज 855 FE ट्रैक्टर है और इसका 2014 मॉडल है ये, जो इसका प्राइस है 4,45,000 रुपये का प्राइस रखा गया है। इधर अपना सोनालिका DI-60 RX 2015 मॉडल, और जो इसका प्राइस रखा गया है 4,45,000 रुपये इसका प्राइस रखा गया है, आप यहाँ प्राइस कम करवा सकते हो। इधर अपना ये फोर्ड 3600 है, 1990 का मॉडल, फोर्ड 3600 1990 का मॉडल, 1,10,000 रुपये प्राइस रखा गया है। इधर अपना पावर ट्रैक 445 डीजल शेवर ट्रैक्टर है और जो इसका मॉडल है 2005 है, और इसका प्राइस रखा गया 1,75,000 रुपये का प्राइस रखा गया। इधर अपना महिंद्रा अल्ट्रा 605 DI ट्रैक्टर है, ये भी अपना मॉडल नंबर इसका दिखाई नहीं दिया भाई, कहाँ पे है इसका मॉडल नंबर, कहाँ दिखा हुआ है मॉडल नंबर, कहाँ है जिसका मॉडल और प्राइस? मॉडल 2008 और प्राइस क्या रखा है इसका आपने? 3,00,000। अच्छा, 2008 मॉडल है, 3,00,000 इसका प्राइस रखा गया भाई। महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 1605 DI ट्रैक्टर है ल्यूबीटेक के साथ में। इधर अपना आइसर 241 NC सदाबहार 1996 का मॉडल, 1,10,000 रुपये का प्राइस रखा गया है। ये ट्रैक्टर भाई यहाँ पे सेल के लिए हैं। और जैसे आपको वीडियो लगे प्लीज़ आप कमेंट करके बताना जैसे आपको वीडियो लगे। और जो प्राइस है वो फिक्स नहीं है, आप यहाँ आ गए अपना ट्रैक्टर कम महंगे कम करवा सकते हो, प्राइस को आराम से कम कर देते हैं, ऐसा कोई बार्गेन नहीं है, फिक्स प्राइस नहीं है कुछ भी। और जैसी भी वीडियो लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो को मेरे अंदर सुधार कर सकूं। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सकें ट्रैक्टर के बारे में नॉलेज, जो पुराना लेना चाहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।